एक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग आ जाइएगा, स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही शानदार सेशन का। इसलिए कि लगातार आप लोग कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, जिन बच्चों का पेपर हो चुका है और जिन बच्चों का नहीं भी हुआ है, वो जो अगली बार एलिजिबल होने वाले हैं, वो बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और मुझसे एक ही सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। और वो क्या कि सर अगला कब आएगा। मैंने कहा क्या अगला आएगा भाई, कौन सा चीज अगला आएगा सर अगला। मैंने कहा क्या सर अगले वैकेंसी कब आएगी। मैंने कहा किसका भाई, एयरफोर्स का सर। तो भैया जब ये सब बहुत सारे सवाल है, इंस्टा का मेरे पूरा मैसेज देखोगे अगर इंस्टा पे, ठीक है, इंस्टा पे बस बच्चों से विवेक सिंह सर से एक ही सवाल है, क्या तो भैया अगली वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, या तो ये है कि सर इसमें कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ हमारे विवेक राय सर आज आपको बता ही देंगे, और या फिर कि सर अगली वैकेंसी कब तक आएगी, क्या चांसेज है, कब दिखने को मिलेगी। तो भैया ये सारा कुछ जो है एकदम क्लियर कट और विद कह सकते हो ना कि एक आपको जिसपे विश्वास भी रहे, विश्वास तो वैसे मुझ पर ही काफी होगा, और उसके बाद मैं आपको ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा भी जो यहाँ से कह सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, उसके द्वारा मैं आपको भी ये दिखाऊंगा कि हाँ भाई अगली वैकेंसी कब तक आएगी, एग्जाम कब तक होंगे, ये सारा कुछ जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो भैया ये वीडियो केवल और केवल एयरफोर्स की अपकमिंग वैकेंसी कब तक आएगी और उसका एग्जाम कब तक होगा उसके लिए है, ताकि आप लोग अभी से अपना स्ट्रेटजी बना सको। जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक है वो अभी से, जिनका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो अभी से लग जाए, क्योंकि भैया एयरफोर्स में लेवल अच्छा खासा होता है, समय देना पड़ता है, 6 महीने की तैयारी, 5 महीने की तैयारी, अगर आप एकदम जीरो है, 4-5 महीने अगर आप दे लेते हैं तो आराम से आप एयरफोर्स के एग्जाम निकालने लायक हो जाते हैं। तो सही वैकेंसी आएगी कब, सबसे पहले उस पर बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं तो ये एक आपका दैनिक जागरण पेपर का ये कटिंग है जो मैंने आपको दिखाया है यहां पर कि इस साल 2 बार होगी अग्निवीर की भर्ती, यानी इस बार कितनी बार होगी, 2 बार भर्ती होगी, कितनी बार, 2 बार जो है आपकी भर्ती होगी अग्निवीर का, अग्निवीर की कितनी भर्ती होगी, 2 बार। अग्निवीर के तहत अभी तक नियुक्तियां जो है ओवरऑल अगर देखोगे तो 19,000 के आसपास नियुक्तियां हो चुकी हैं, 21,000 दूसरे बैच में अभी जा रहे हैं। अब 2023 में डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे वाली बात हो, 2023 में अगर देखोगे कि कितनी वैकेंसियां हैं तो 2023 में यहां पर बोला गया है, हाँ देखिएगा ये लाइन पढ़िएगा कि 2023 में अब साल में 2 बार वैकेंसी, 1 मई और 1 नवंबर के महीने में अग्निवीरों की भर्ती होगी। कब कब होगा भाई, तो ये तो एकदम फिक्स्ड है, पहले भी हमें पता था ये चीजें कि एक जो है आपकी वैकेंसी है वो मई के आसपास आएगी और एक जो वैकेंसी है वो आपके नवंबर के आसपास आएगी। अब सर ये बताओ इनका एग्जाम कब हो जाएगा, तो आपको पता है कि मैक्स टू मैक्स 45 दिन मिलता है आपको, मैक्स टू मैक्स 45 दिन मिलता है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जुलाई के स्टार्टिंग में इसकी एग्जाम हो जानी चाहिए, जुलाई के स्टार्टिंग में इसकी एग्जाम हो जानी चाहिए, और नवंबर वाले का जनवरी के स्टार्टिंग में जो है, जनवरी के स्टार्टिंग में नवंबर वाले का स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, किसका, जनवरी के स्टार्टिंग में। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 45 दिन देगा, 1 महीने से 45 दिन, और रिजल्ट भी तुरंत देगा, क्योंकि अब जो है ये जो पीछे 2 साल की जो ये वैकेंसी खाली थी ना, ये 2 साल जो इन्होंने एक की भी वैकेंसी नहीं दिया, ऊपर से उससे 2 साल तो इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं दिया, उससे 1 साल पहले की वैकेंसी को इन्होंने कैंसिल कर दिया, यानी 3 साल में जो 6 वैकेंसी एयरफोर्स की आने वाली थी वो 6 वैकेंसी क्या है, खाली है। ऊपर से 1 वैकेंसी में कम से कम 4,500 बच्चे हुआ करते थे, इस हिसाब से देखोगे तो बहुत सारा संख्या जो है एयरफोर्स का वहां पर खाली है। अब इसको ये कुछ तो उन्होंने उस समय रैली करा के भरा था, कुछ रैली करा के भरा था, लेकिन वो भी पूरा भर नहीं पाया था, तो वहां पर ये जल्द ही जल्द जो है ट्रेनिंग कराकर जल्द ही जल्द जो है वहां पर ये अपना जितने भी हमारे कह सकते हो सैनिक है उनको वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैकेंसी पक्का है कि मई में और आपके दो वैकेंसी आने वाली है, आपके पेपर के रिपोर्ट के हिसाब से भी हो गया, ये करीबन 1 हफ्ता पुराना पेपर है, मैं अभी आपको बता दूं तो ये 1 हफ्ता पुराना पेपर है। ठीक है, और ये आपको दैनिक जागरण का पेपर है, ठीक है, दैनिक जागरण का पेपर है, तो ये आप लोग का है, तो पेपर में भी आया हुआ था और ये पहले से भी पता था कि मई और 1-2 आने वाली है वैकेंसी, 1 मई में आने वाली है, 1 नवंबर में, तो अच्छा खासा मौका है आपके पास। नेवी की भी ऐसे ही होने वाला है,
और बात करो तो कोस्ट गार्ड की भी वैकेंसी आई हुई है, तो जो लोग कोस्ट गार्ड का फॉर्म नहीं भर लो, यानी डिफेंस में मौका पूरा मिल रहा है, एनडीए का दो दो बार मिल रहा है, कोस्ट गार्ड का दो से तीन बार मिल जा रहा है, नेवी का दो बार मिल रहा है, आर्मी में दो बार मिल रहा है, एयरफोर्स में दो बार मिल रहा है, इसके अलावा सीआरपीएफ की वैकेंसी आ रही है, सीआईएसएफ की वैकेंसी आ रही है, बीएसएफ की वैकेंसी आ रही है। यानी अगर आप पढ़ाई करते हो ना, और सबका सिलेबस अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप 10वीं 11वीं 12वीं के सिलेबस को कवर करते हो, जैसे एयरफोर्स के सिलेबस में रागा आ जाता है रीजनिंग, अर्थमेटिक और जीए और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी मैथ फिजिक्स इंग्लिश, ये सब तैयारी करते हो ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हो। इसलिए एक बार 6 महीने लग के, आपके पास जो 4-5 महीने का समय है उसको लग के और अपने आप को तैयार कर लो, एक बार तैयार कर लो, ऐसा तैयार करो कि फिजिक्स पूरे अच्छे से तैयार हो जाए, इंग्लिश पूरे अच्छे से तैयार हो जाए, मैथ्स पूरे अच्छे से तैयार हो जाए, रीजनिंग पूरे अच्छे से तैयार हो जाए, अर्थमेटिक पूरे अच्छे से तैयार हो जाए, जीके जीएस का स्टैटिक पार्ट जो है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि आप बीच में जो ये परमानेंट वैकेंसी भी आ रही है, इसके थ्रू क्या होता है कि जब एयरफोर्स का लेवल अच्छा है, अगर इसको तैयार कर रहे हो ना, तो ये जो बीच में सीआरपीएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, बीएसएफ आरओआरएम आया था जो कि बहुत अच्छा वैकेंसी हुआ है, बहुत अच्छा वैकेंसी है, परमानेंट भी है, तो आप अगर इस लेवल का तैयार कर रहे हो ना, एयरफोर्स लेवल का, ये सब आसानी से निकलेंगे। एयरफोर्स वाले बच्चों ने गर्दा उड़ा दिया, बीएसएफ आरओआरएम में गर्दा उड़ा दिया है, तो ऐसे मतलब क्या होता है कि आप अच्छे से कर सकते हैं, ऊपर से दो वैकेंसी इसकी भी है, तो आपके पास पूरे मौके आपके पास हाथ में आ जाएंगे अगर अपने आप को तैयार कर रहे हो। तो मई में जो है आपकी वैकेंसी आने वाली है, इस बात को याद रखिएगा। और इसके लिए अगर तैयारी आपको बेसिक से करना है बेटा, सॉरी बेसिक से अगर आपको तैयारी करनी है, बेसिक से अगर आपको तैयारी करनी है, ठीक है, बेसिक से अगर आपको तैयारी करनी है, तो आप लोग के लिए आ चुका है सुखोई, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आप लोग के लिए आ चुका है क्या, सुखोई बैच, थोड़ा सा यहां पर इसमें क्या है कि ये जो थोड़ा सा यहां पर देख लीजिएगा, आप लोग के लिए क्या है सुखोई, ठीक है, और इस सुखोई पे क्या है भाई, ठीक है, तो यहां पर देखोगे तो 60% का अभी आपका वो चल रहा है, ठीक है, क्योंकि लॉन्च हो चुका है, तो लॉन्च के बाद जो है 60% का ऑफ चल रहा है। अगर आप डिफेंस 60 कोड यूज करते हैं तो ये आपको जो है 1199 में ये बैच आपको मिल जाएगा। फाउंडेशन बैच है, यानी बेसिक्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इतना मैं गारंटी लेता हूं बेटा कि आपको बाहर से एक भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, ना कोई आपको बुक खरीदने की जरूरत है, ना कोई आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ खरीदने की जरूरत है, ना आपको टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत है, और ना ही अगर मैं बात करूं तो कोई भी आपकी और भी चीज फेज टू के लिए कुछ के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत है। सारा कुछ जो है एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पर सुखोई के अंदर आप लोग के लिए कराया जाएगा, सारा कुछ, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, 5000 से अधिक क्वेश्चंस जो आप कितने भी बुक खरीद लोगे नहीं मिल पाएगा उतना, और हम लोग सेलेक्टिव क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, तो आपके पास अच्छा खासा मौका है, आप अपने आप को यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लोग अभी मार्च में जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं या नेवी के लिए, तो भैया इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छा बैच आया हुआ है, वीओडी बैच है ये, यानी रिकॉर्डेड बैच है, इसमें आपको हर एक वीडियो पहले ही मिल जाएगा, आप जो टॉपिक में प्रॉब्लम है आपको उस टॉपिक को देख सकते हैं। और ये जो नेवी या कोस्ट गार्ड का अपकमिंग बैच है, यानी जो अभी फॉर्म आया है जिसका मार्च में आसपास एग्जाम होने वाला है उसके लिए है, तो आपके पास अच्छा खासा मौका है, मात्र 499 में आप अच्छे से अपने कोस्ट गार्ड और नेवी के एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें आपको अग्नि 60 कोड लगाना होगा, एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर सॉरी एग्जाम फॉर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और वहां पर रजिस्टर करने के बाद करना होगा। कोई दिक्कत अगर होगा तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ये आपको पूरा सहायता करेंगे, आपको कोई भी अगर
कह सकते हो जुड़ने में बैच से अगर दिक्कत हो रही है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो बस वैकेंसी आपको पता चल गया कि भाई कब आने वाला है, तैयार हो जाइएगा, अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। और कोई भी जानकारी आपको डिफेंस से रिलेटेड चाहिएगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आप लोग को वो पूरी जानकारी मुहैया करा दूंगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।